बागेश्वर स्थान विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के दौरान मतदान जारी है। सभी 310 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। कुशेश्वर स्थान में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया है। वहीं 310 बूथ पर वोटरों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए 110 गश्ती दल की भी तैनाती की गई है। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज SM और SSP बाबूराम एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस विधानसभा सीट पर कुल 2,54,999 मतदाता के नाम दर्ज हैं। ये मतदाता चुनावी मैदान में खड़े 8 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि यहां मुख्य मुकाबला RJD और JDU कैंडिडेट के बीच है, लेकिन कांग्रेस और लोजपा रामविलास तीसरे स्थान के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ित इस इलाके के लोगों के मन की बात जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम ने वोटरों से खुलकर बात की है। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के अफजला पंचायत में हैं और यहां सुबह से ही मतदान करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लाइन में लगे हुए हैं। बता दें कि यहां जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जो है सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वोटिंग होगी और 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 44 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि जिसकी गिनती जो है 2 नवंबर को की जाएगी और आज सुबह से जो है मतदान के लिए खास करके महिलाओं की भीड़ जो है बूथ पर जो है काफी देखने को मिल रही है। महिलाओं में काफी उत्साह है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और यहाँ जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो है दरभंगा SSP बाबूराम भी जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और वोटिंग जो है शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए बल की तैनाती की गई है, जिसमें CISF, BSF और कई बल जो है तैनात किए गए हैं। आइए हम जानते हैं कि किन मुद्दों पर लोग जो है यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। वही महिला मतदाताओं ने भी उत्साह के साथ वोट डाला है। खाना बनाने से पहले ही सजग महिला वोटरों ने अपना वोट डाल दिया है। वोट गिराना अच्छा लगा है, वोट तो गिराना ही था, वोट हमने गिरा दिए। वोट गिराने के बाद सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो गया आप लोगों को। हर एक साल वोट गिराते हैं, इस साल भी गिराए हैं। उसके बाद खाना बनाएंगे, पहले ये जरूरी था, जो जरूरी था सो आकर के किए। आपका जनप्रतिनिधि कैसा चुनना चाह रहे हैं, किस तरह का जनप्रतिनिधि हो? जो काम करने वाला है उसको चुन कर हमने वोट गिरा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सईदा खातून। ठीक। वहीं एक और महिला वोटर ने कहा कि उन्होंने विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है। उन्होंने बताया कि खाना बनाने से पहले ही वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लोग भोजन नहीं बनाए हैं, वोट गिराने से पहले हम खाना बना के नहीं। जी, आप सबसे पहले शुरुआती में आए हैं यहाँ वोट गिराने के लिए? हाँ, वोट गिराने के लिए, उसके बाद खाना बनाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्या उत्साह क्या है? सवेर पहर मामला के द्वारे सवेर पहर आए हैं। तो किन मुद्दा पे वोट किए हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप? किन मुद्दा क्या रहेगा आपका? वोट दिए हैं, क्या सोच कर वोट दिए? तो क्या सोचे हैं जब वोट दिए हैं, तो क्या सोचे हैं, किस तरह से कैसा हो आपका जनप्रतिनिधि, क्या होना चाहिए? अच्छा रहेगा विकास। हाँ। वही एक युवा मतदाता ने बताया कि केवल विकास के मुद्दे पर ही वोट डाला जा रहा है। सवेरे आकर वोट डाले हैं, विकास के लिए वोट किए हैं, विकास हो क्षेत्र का। आपको वोट देते हैं? विकास बढ़िया है, मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा और कोनो मुद्दा है नहीं, विकास हो बस यही मुद्दा है। बाढ़ पीड़ित इस इलाके में विकास के मुद्दे पर वोटिंग होना लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। पंजाब केसरी TV के लिए दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।